बातें बंद, बस बेटा बातें बहुत हो गई, अब यहाँ देख लें। लेट्स स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालना है, क्या करना है? आप ये मान के चले कि इस चैप्टर से हमारे बहुत सारे नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे। हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक सीखें। आपको नॉर्मली इंटीग्रेट करनी तो आती ही है चीज़ें, है ना, बट अब आप इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा अलग लेवल के ऊपर सीखेंगे। कैसे बॉडीज के अंदर एलिमेंट लिए जाते हैं, कैसे उनके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया जाता है और सारी चीज़, ठीक है। यहाँ अगर आपको चीज़ें समझने आनी शुरू हो गई तो आपको रोटेशनल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ आपको चीज़ें समझने में आनी शुरू हो गई तो आपको जब आप इलेक्ट्रो वगैरह पढ़ते हैं ट्वेल्थ के अंदर जाके तो भी आपको चीज़ों में कभी दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों ढूंढना पड़ता है, क्या होता है, होता कैसा है, कहाँ निकालते हैं, कहाँ नहीं निकालना होता है, कहाँ जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसकी पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसकी पोजीशन निकालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की बॉडीज से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेट हो गई, हेमी स्फीयर हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, ठीक है। इन सब के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ये सब निकालने के बाद हम लोग फिर सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उसके मोशन के बाद में हम लोग बात करते हैं इम्पल्स की। किसकी बात करते हैं? इम्पल्स के बाद में हम लोग फिर किसकी बात करते हैं? कोलिजन की। किसकी बात करते हैं? कोलिजन यानी टक्कर, कोलिजन यानी। और ये सब बातें करने के बाद में चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ना। एक भी क्लास मिस की ना पुराना सब खत्म हो जाएगा, पहले ही बता दें, इसलिए डोंट मिस एनी क्लास इस चैप्टर में और इसके अगले में भी। ये समझ लो कि एक दो महीने लगातार आना है, इन क्लासेस को मिस नहीं करना। एक क्लास छूटी सब साफ हो जाएगा, और मेरे पास उठ के मत आना, ये पहले ही और बता दूं। तो इसलिए क्लास किसी भी वेग रीजन के लिए मिस नहीं करनी, ठीक है, और इस चैप्टर को तरीके से पढ़ना है, ठीक। तो बताइए इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीएम। क्या बोलेंगे? तो किसी भी स्टेट में हम लोग क्या सर्च करते हैं, इसी तरह से किसी भी बॉडी में भी क्या सर्च करते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या सर्च करते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो जैसे चीफ मिनिस्टर, वैसे ही हमारा सेंटर ऑफ मास। कंट्री में क्या सेलेक्ट करते हैं? पीएम। स्टेट में क्या करते हैं? सीएम। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और इसीलिए ये सीएम होता है, सेंटर ऑफ मास। कई बार क्या होता है ना, बहुत अलग अलग तरह की बॉडीज होती हैं जो हम लोग देखते हैं, तो उन बॉडीज में हर पार्ट जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है, अलग अलग तरह की पाथ ले रहा होता है, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि ईजिएस्ट पाथ कौन सा पार्टिकल ले रहा है। हमें क्या देखना है? ईजिएस्ट पाथ कौन सा पार्टिकल ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक बॉटल पकड़ाना बेटा, कोई बहुत ही बढ़िया सुंदर पीले रंग की बॉटल, येलो येलो, इस बॉटल को मान लो अपन ऐसे उछालते हैं, पानी गिरता है इसमें से? चलेगा इतना? अरे कोई बात नहीं ना, पानी तो है यार, एसिड थोड़ी है, ऐसे करने लगे पानी हो, पानी गिर पानी मान चलो यार। मान लिया इस बॉटल से अपन ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, इसके मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान है कि नहीं? ये देख, अगर मैं बोलूं कि इस वाली बॉटल के हर पार्टिकल को देख, मान ले यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और इसको ऐसे भेज, देख पा रहे हो सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ही तो जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं? इसमें क्या पानी भरा है ना, इसलिए ज्यादा रोटेट नहीं हो पा रही है ना, अदरवाइज बढ़िया रोटेट हो। अरे यार तुम रुको तो सही यार, बढ़िया चीज, कोई खाली बॉटल खाली ध्यान यार तुम ध्यान दो। अरे मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। सुनो
अब इस वाले पार्टिकल को देखना जरा कैसा मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल को देखते रहना, इसको इसको भी देख, इसको भी देख, एनालाइज कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। बेसिकली मतलब पागलों टाइप मोशन कर रहे हैं। उसकी इक्वेशन लिखना हमारे बस में नहीं है, डाउट माता लिख के देगा हमें, है ना। आप सुनिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस बॉटल का सेंटर ऑफ मास मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया? मान लेते हैं वो यहाँ है, इमेजिन कर यहाँ है, इमेजिन कर यहाँ है, सीधा ऊपर सीधा नीचे, ये रहा सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन, दिख गया? ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये वाली जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करके ऊपर जा रही है, देख स्ट्रेट लाइन जा रही है और स्ट्रेट लाइन आ रही है, इन सब के मोशन अजीब अजीब है, देख बोल है कि नहीं। पर ये जो पार्टिकल है अगर इसको देखेगा तो क्या बेटा सीधा ऊपर जा रहा है और सीधा क्या आ रहा है, फील आती है? सेंटर ऑफ मास की खास बात, सेंटर ऑफ मास की, इट टेक्स द इजीएस्ट पाथ, इट टेक्स द, किसी भी बॉडी का अगर कोई मोशन होगा ना तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास विल टेक द इजीएस्ट पाथ, विल टेक द, बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ना दे आर टेकिंग ऐसे ऐसे पाथ विच आई कांट इमेजिन, विच आई कांट राइट द, मतलब विच आई कांट राइट द इक्वेशन टू, मैं जिनकी इक्वेशन नहीं लिख सकता, मैं जिनको इमेजिन भी नहीं कर सकता और मैं जिनको पढ़ना भी नहीं चाहता, इस तरह के पार्ट, इस तरह के पार्ट्स उन पार्टिकल्स ने लिए हैं। वही सेंटर ऑफ मास कैसा पार्ट ले रहा है, सीधा गया उल्टा गया। अब सोच मैं इसी बॉटल को ऐसे फेंकता घुमा घुमा के, तो सेंटर ऑफ मास पैराबोला लेता, सेंटर ऑफ मास क्या लेता, जाता ना ऐसा, पर बाकी के पार्ट्स ऐसे ऐसे नहीं कर सकते यार, मानो मेरी बात, नहीं होगा, साइंटिस्ट लोग नहीं करते, हम क्यों करें, बावड़े थोड़ी है, समझ गया ना। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास को पढ़ा गया, इसीलिए सेंटर ऑफ मास को, और जो आज तक हम लोग पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए बेटा, याद ही नहीं है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, याद है? याद है ना, ये ए फॉर ए सी एम होता है, ए फॉर क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, इसी तरह से जैसे कि आप लोगों को बताया गया था बेटा मोमेंटम, क्या बताया गया था, क्या बेटा एम इन टू वी होता है, ये वी बी वी सी एम होता है, ये वी बी क्या होता है, वी सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये सब निकालेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, पर आपको बस पता हो कि आप इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर आपको इसका एहसास, एफ बी डी बनाया था याद है, एफ बी डी में सारी सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट मानना था, सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ मास ही तो था, सेंटर का मतलब क्या था, अपन कितना भी बड़ा ब्लॉक होता था उसको एक पॉइंट मान लेते थे और बोलते थे सारी फोर्स यहीं लग रही है, इधर भी लगा दे, ऊपर नीचे सब जगह लगा, मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कोई लेना देना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स, याद आ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, नहीं तो अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या बेटा अलग अलग तरह से ब्लॉक चलता है, मैंने बताया भी था, बॉटल पे नीचे फोर्स लगाएं, ऊपर फोर्स लगाएं, नीचे लगाते हैं तो सीधी चलती है, ऊपर लगाते हैं तो पलटी मार जाती है, बात हुई थी, बॉटल दे, ये देखो चल रही है ना, ये देखो गिर रही है ना, तो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैटर करता है, अभी भी नहीं आया, पर हमें उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मतलब, क्या ये बात क्लियर है, जब मतलब आएगा तब उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर हो गई बात। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए के अंदर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, रो इक्वल्स टू एम वी के अंदर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा पता है इसकी बहुत भयंकर यूटिलिटी हम लोगों ने कहां देखी, एक मोशन हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कटार, क्या बोलते हैं, मतलब कटार को क्या बोलते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, शॉर्ट बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं बेटा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड, इसको कटार बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब एक ऐसा मोशन जिसके अंदर एक व्हील है, क्या है बेटा, जैसे गाड़ी का टायर है, क्या बेटा रोटेट भी करता है, तो अपनी जगह रोटेट करता रहता है, आगे भी बढ़ता है,
वेरी गुड, अपनी जगह करता तो गाड़ी आगे जाती क्या? नहीं। गुड, आप लोगों को एहसास है इस बात का, ये जान के बहुत खुशी हुई। ध्यान दीजिए, ये उस टायर की अलग अलग पोजीशंस बना रहा हूँ बेटा। जो टायर है ना वो आगे को भी जा रहा है और घूम घूम भी रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं? है ना। सो दिस टायर इज मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज रोटेटिंग एज वेल। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट भी कर रहे हैं और इसीलिए क्या नाम दिया गया? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड शॉर्ट में कटार, शॉर्ट में कटार। अब इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स कंसिडर अ पॉइंट ए, और इस ए पॉइंट को ग्राउंड से चेक करते हैं। पता अगले सेकेंड वाला पॉइंट का यहाँ दिखा क्या? फिर यहाँ दिखा क्या? फिर यहाँ दिखा? अरे बोलो क्या? फिर यहाँ दिखा क्या? फिर यहाँ दिखा क्या? फिर यहाँ दिखा? इसकी पाथ ज्वाइन की मैंने, देख पा रहे हैं? कैसी पाथ है? दिखती पैराबोला है नहीं, इट जस्ट लुक्स लाइक अ पैराबोला, इट इज एक्चुअली अ साइक्लोइडल पाथ। कैसी पाथ है? साइक्लोइडल पाथ है भाई साहब, जिसकी इक्वेशन लिखना आपके बस में नहीं। ठीक है, जमीन से देखने पे दिखता पैराबोला है पर है नहीं वो पैराबोला। जब इक्वेशन लिखता है ना इसकी, तो इट कम्स आउट टू बी अ साइक्लोइड। किसकी इक्वेशन आती है? इट इज वेरी टफ टू राइट सच एन इक्वेशन। और इसीलिए हम लोग पता है क्या करते हैं, हम बोलते हैं एक काम करते हैं, टायर तो बना ही रहे हो, इसके सेंटर पे बिठा दो, इसके सेंटर पे बिठा दो। अब सोचो इसी वाले पॉइंट को देखना है, ए पॉइंट यहां था ना बेटा, अब ये तो आगे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे ओमेगा से भी घूम रहे हैं, बोलो हाँ या ना? आगे भी बढ़ रहे हैं और ओमेगा से घूम भी रहे हैं, टायर के साथ यही होता है ना। तो अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं यहां बैठ के, तो मेरे लिए तो रेस्ट पे आ गया ना। मेरे लिए किस पे आ गया? बिकॉज दिस टायर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। क्या ये वाला पॉइंट अगले सेकंड यहां दिखेगा? क्या फिर यहां दिखेगा? क्या फिर यहां दिखेगा? क्या सर्कुलर करेगा? मैं कहां बैठा था टायर के? सेंटर ऑफ मास पे। मैं कहां बैठा था टायर के? मतलब सेंटर ऑफ मास का जो फ्रेम है वो भी बहुत फायदे का है, वो भी बहुत। जैसे ही सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो प्योर सर्कुलर करने लगा, और जब जमीन से बैठ के देख रहे थे तो क्या कर रहा था? साइक्लोइड पाथ ले रहा था। साइक्लोइड हमारे बस का? ये तो हमारे बस का है। अरे बोलो भाई, तो ये सब फायदा है किसका? सेंटर ऑफ मास। किसका फायदा है? सेंटर ऑफ मास। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? और इसीलिए हम लोग किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, एंड डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी इसके अंदर जिसकी हम बात करेंगे। अभी कुछ भी छापने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से देखते रहो, जो भी चीजें बनती जा रही हैं उनको बनाते रहना, पर मेरे बोलने के बाद अभी चुपचाप से देख लो। ठीक है, अब देख किसी भी बॉडी का मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है। किसी भी बॉडी का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। मान ले कोई भी एक जनरल बॉडी है, ये ले भाई, ये ऐसी बॉडी थी हमारे पास, मैं नहीं जानता इसका शेप क्या है, कुछ तो भी बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास क्या इट इज अ पोजिशन? अरे सेंटर ऑफ मास क्या है? अपन ऐसे बोलते हैं ना कि आपका घर कितनी दूर है, तो आप ये बोलते हो ना कहां से? कोई आपसे पूछे तेरा घर कितनी दूर है, कहां से? पहला जवाब यही होगा ना, रेलवे स्टेशन से, कि बस स्टैंड से, कि सब्जी मंडी से, कि शॉपिंग सेंटर से, कि मोशन से, कि कहां से, यही तो पूछेंगे। अब वो जो कहां से वाली बात है, मतलब यू आर लुकिंग फॉर ओरिजन, यू आर लुकिंग फॉर। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताने से पहले क्या हमें एक ओरिजन डिफाइन करना पड़ेगा? वेरी गुड, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को मैंने मान लेते हैं कि एन टुकड़ों के अंदर तोड़ रखा है। यहाँ मान लेते हैं M1 है, यहाँ मान लिया मैंने M2 है, यहाँ मान लिया मैंने M3 है, यहाँ मान लिया मैंने M4 है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन अप टू N। तो इस M1 की लोकेशन क्या है? क्या ये इसका पोजिशन वेक्टर हो गया बेटा R1? ये आपके M2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2, ये क्या हो गया R3, ये क्या हो गया बेटा R4, बोलो हुआ कि नहीं? यार पोजीशन डिफाइन करने के लिए ओरिजिन चाहिए, यस और नो? चाहिए ना। मैंने पोजीशन मार्क कर ली, ऐसी कितनी पोजीशंस हैं? N तक। कितनी पोजीशंस हैं? N तक की पोजीशंस। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया गया वो कैसे किया? ऐसे लिखा RCM, क्या लिखा गया?
is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus up to mn upon m1 plus m2 plus up to mn. बेसिकली क्या पूरी बॉडी का मास भाई डिवाइड किससे कर रहे हैं? पूरी बॉडी के मास से. क्या इतनी बातें समझ में आई हैं सबको 100%? इसे प्यार से लिखने का कोई तरीका आता है क्या तुम्हें? सिग्मा विग्मा वाला आता है? सिग्मा वाला तरीका बोलो कैसे लिखूंगा? RCM is equal to बोलो सिग्मा एम आई आर आई. क्या बेटा? आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक और डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई. आई इक्वल्स टू 1 से एन. भी समझ में आया है? किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास देने का तरीका यही है. इतनी बातें क्लियर हो गई सब लोगों को? अब मान लो यही सेंटर ऑफ मास बोले एक्स में. अब मान लो कोई बॉडी एक्स एक्सिस पे पड़ी है तो उसमें वाई और जेड दोनों क्या आते होंगे? वाई और जेड क्या आते होंगे? वाई में पड़ी है तो एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे, और जेड में पड़ी है तो. अब मान लो एक्स और वाई दोनों में है तो वाई और जेड में है तो. ये बात समझ पा रहे हो? पक्का है ना? तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिफाइन करते हैं एक्सिस के हिसाब से. किसके हिसाब से? एक्सिस के हिसाब से. तो बोलो अगर एक्सिस के हिसाब से करना है तो क्या एक्ससीएम अलग डिफाइन करूंगा, वाईसीएम अलग और जेडसीएम अलग? तो जब एक्ससीएम लिखूंगा तो बोलो क्या लिखूंगा? एक्ससीएम बताइए. m1 x1 प्लस अप टू mn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn. बोलो सही है? समझ ही नहीं आया क्या बेटा? शॉर्ट में इसको सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई लिख सकता हूं. वो लिमिट्स लगाते रहना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लिमिट्स हम लोग मजे से लगा ही सकते हैं. ठीक है, वाई सी एम बोल ही नहीं रहे. सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन क्या बेटा? सिग्मा एम आई और जेड सी एम सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई. क्या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया? क्या आपके तोते उड़ चुके हैं? क्या अपनी जगह बैठे हैं? वेरी गुड. एक्स सी एम समझ गए? अब लिखना चालू करेंगे चैप्टर में जो जो मैं बोल रहा हूं. लिखो, देर आर टाइम्स when motion of all parts of a body when motion of all parts of a body has to be used full stop. For this we search for COM. पूरा पूरा मत लिखते लेना हर जगह center of mass. For this we search for COM. ठीक है, next line में लिखो. ऐसे छोटी सी heading डाल लो, मतलब क्या बोले इसको, इसकी COM क्या बोलूं बताओ? यूटिलिटी बोल लो. कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं तो यूटिलिटी बोल लेते हैं. तो लिख लो यूटिलिटीज या यूटिलिटी. और यूटिलिटी में पहली इन ऐसे लिखना, इन एफनेट इक्वल्स टू एम ए. इन एफनेट इक्वल्स टू एम ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. In F net equals to ma, a is the acceleration of cm. अगला पॉइंट आप अपने आप भी बना सकते हो. बना लोगे? In rho equals to mv, v is the velocity of cm. In rho, अरे p बोल ले यार. वैसे rho होता है पर p बोलते हैं दुनिया में, अपन भी p बोल लो बस. In p is equal to mv, v is the velocity of cm. अगला, इन
कटार। कटार का फुल फॉर्म लिख लोगे? संयुक्त स्थानांतरण एवं घूर्णन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। लिख पाओगे? इन कटार इन कटार आगे लिखो, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। इन कटार फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम द पाथ ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल एज शोन इज साइक्लॉइडल। द पाथ ऑफ पार्टिकल एज शोन इज साइक्लॉइडल, एज शोन इज साइक्लॉइडल। स्पेलिंग लिखिए बेटा, साइक्लॉइड, CYCLOIDAL, साइक्लॉइडल, फुल स्टॉप। इफ वी सिट ऑन द CM, इसी लाइन में, मतलब आगे कंटिन्यू करो, इफ वी सिट ऑन द CM, सिट ऑफ नहीं, सिट ऑन द CM, अरे CM पे नहीं बैठना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठना है। चीफ मिनिस्टर ना बनाए इसको, अपना चीफ मिनिस्टर तो ऐसे ऐसे हैं जो शिट करने लायक हैं, सिट करने लायक तो नहीं, कुछ काम तो करते नहीं, तो दे आर मोर ऑफ सिटी पीपल, है ना, कुछ काम नहीं किया, महाबकवास सरकार। अब की बार नो वसुंधरा सरकार, तुम लोग तो वोट दे ही नहीं सकते ना, मैं तो वोट भी देने की सोच रहा हूँ तो नोटा को सोच रहा हूँ, नोटा दबा दिया जाए सर। नोटा जानते हो? कोई बात नहीं, यहाँ देखो। मतलब दोनों ही सिक्के अगर खोटे निकल जाए तो कुछ भी नहीं दबाना है, तो नोटा दबाना है। तो बोलो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, इफ वी सिट ऑन द CM देन द पाथ, सिट बोला है मैंने, इफ वी सिट ऑन द CM देन द पाथ of the shown point is, then the path of the shown point is then the path of the shown point is pure rotational पूर्ण घूर्णन गति, ठीक है, pure rotational। लिखा बेटा, very nice। अब ये डायग्राम में लो, टिंग टिंग, प्योर रोटेशन और यह साइक्लोन। ये कौन सा फ्रेम है बेटा? ग्राउंड फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम है? सी फ्रेम। एक जी फ्रेम, एक सी फ्रेम। क्या, कहाँ रोटेट कर रहा है? यही तो है सेंटर ऑफ मास, ये तो यही फिक्स है, ऐसे ही तो जा रहा है सीधा, कहाँ रोटेट कर रहा है? अबे टायर तो बड़ा है ना, टायर घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह है, उसकी पोजीशन तो फिक्स है, और जब तू उसी पे बैठ गया तो तेरे को चलता हुआ दिखेगा क्या? बात ही करता हूँ, कहीं रोटेट कर रहा हो, तेरे लिए ये क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन, ठीक है, डायग्राम बना लिया बेटा, वेरी गुड। इसके बाद में CM ऑफ अ पार्टिकल या CM ऑफ अ, हाँ यही लिख लो, CM ऑफ अ एंड डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, वैसे ही ऐसे लिख लो इसको, CM ऑफ अ सिस्टम ऑफ एंड डिस्क्रीट पार्टिकल, एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स। इन योर ड्रीम्स, बेचारा भरत।
और मर्सिडीज लिखा क्या उल्टा? बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़े। लिखाऊं? लिख दो भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो इसमें, ऐसा क्या लिख दिया मैंने? इतना तो मैंने लिखा ही नहीं है जितना तुम लोग लिख रहे हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा क्या क्या लिख रहे हो। मैंने जो बोर्ड पे लिखा उससे ज्यादा तुम लिख रहे हो, है ना? चुपचाप से छापो, आधा मिनट और है। हाँ और बोल रहे हैं। हाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन डिस्ट्रिक्ट पार्टिकल्स। अभी जो हम लोगों ने सीखा उसके अंदर हमने किसी भी बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन निकालनी सीखी। क्या निकालनी सीखी उसकी? अब सुनो, अगर इस पोजीशन को कोई बोले के वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, इसमें लिख के दिखाओ, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो? xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm। अरे बोलो भाई, ऐसी 3D बॉडीज भी तो होती हैं यार, बातें क्यों कर चालू हो गई? कैसी बॉडी है बेटा ये? तो 3D बॉडीज के अंदर तो i कैप j कैप k कैप तीनों में आ सकता है ना सेंटर ऑफ मास। तो ये किसी ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है जो x y z तीनों के अंदर मौजूद है। अब मान ले x और y में है तो ये खत्म हो जाएगा, y z में है तो ये खत्म हो जाएगा, x z में है तो ये खत्म हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो जैसी भी बॉडी होगी उसके हिसाब से उसका हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्या इतनी बातें सबको समझ आती हैं? वेरी गुड। अब देखो, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ऐसी बॉडीज ली जो कि बहुत ईजी टू हैंडल थी। ईजी टू हैंडल सबसे बड़ा सिस्टम जो होता है वो होता है टू बॉडी सिस्टम। क्या होता है वो? तो सबसे पहले हम CM किसका निकालेंगे? टू पार्टिकल सिस्टम का। किसका CM निकालने वाले होता? टू पार्टिकल सिस्टम। ध्यान दीजिए किस तरह से कैलकुलेशन करनी है और क्या करना है। हमारे पास में दो अलग अलग मासेस दिए रहे हैं, हमें दो अलग अलग मासेस हैं मस्त एकदम, और वो जो दोनों मासेस हैं उनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है वो कहाँ पर, ठीक है? ध्यान दो, मान ले एक मास ये रहा और दूसरा मास ये रहा, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? m1। इसकी क्या मान लेते हैं? m2। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या मान ली बेटा? r। क्या मान ली डिस्टेंस? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है। इस कहानी को देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि यार सेंटर ऑफ मास तो पोजीशन होती है। सेंटर ऑफ मास क्या होती है? तो सेंटर ऑफ मास अगर कोई पोजीशन है तो क्या एक ओरिजन मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? अब या तो मैं ओरिजन यहाँ मान लूँ, या ओरिजन यहाँ मान लूँ, या ओरिजन यहाँ मान लूँ, यहाँ मान लूँ, यहाँ मान लूँ, बोलो कहीं भी मान सकता हूँ, है ना? तो मैंने बोला सबसे बढ़िया ओरिजन है किसी बॉडी को ही सेंटर ऑफ मास मानना। ये x और ये y, मैंने तो ये कहा कि हमारा जो m1 मास है ना वही ओरिजन पे रखा हुआ है। यही कहाँ रखा हुआ है? तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या मार्क कर लिया? 0,0। दिस पॉइंट इज 0,0 यानी ओरिजन, जहां पर क्या रखा हुआ था? m1 मास। क्या रखा था? अब हम लोग क्या ये बात देख सकते हैं कि पार्टिकल x एक्सिस पे रखा है, y एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं है। तो बोलो अगर मैं इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिखने की कोशिश करूं तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस, भाई दो पार्टिकल्स है ना, अपॉन m1 प्लस, बोलो है m1 की वैल्यू क्या है? m1 बोल ही नहीं रहे। अरे m1 की वैल्यू क्या है? मान ले सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ जाएगा, मान ले, मेरे को पता थोड़ी है, लेट्स कॉल इट सी, लेट्स कॉल इट सी। तो m1 r1 व्हाट इज r1? 0। अरे m1 की लोकेशन क्या है ओरिजिन से? 0 पे है ना, समझ ही नहीं आया। m1 जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा है? 0 पे रखा है ना, खुद ही ओरिजिन है। तो बोल जब RCM लिखूंगा तो क्या वो असली में XCM होगा? वो क्या होगा? तो बोल m1 × 0 प्लस m2 × r, बोल r2, बोल m2 की लोकेशन बताओ ओरिजिन से कितनी है क्या बेटा? r। तो m2 × x की जगह पर क्या आ जाएगा? m2 × अपॉन m1 प्लस, जल्दी बताओ xcm की वैल्यू क्या है? m2 r upon m1 plus m2। क्या आपको समझ ही नहीं आया? सभी को आया? आपका आंसर आ चुका है।
पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ही तो निकालनी थी, निकाल दिया आपने एक्सीएम एम टू आर अपॉन एम वन का सेंटर, दैट्स इट। समझ पा रहे हो? ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। किसका सेंटर ऑफ मास है? इस सिस्टम का। मान ले अगर मैं इस एम वन से ये डिस्टेंस को आर वन बोलूं और यहां से डिस्टेंस को क्या बोलूं, अभी यानी आर वन निकालिया है आर टू, आर वन या आर टू? अरे एम वन से निकाला है या एम टू से? एम वन से निकाला है ना, तो इसको एक्सीएम की जगह क्या बेटा आर वन भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है अपने पास? आर वन। क्या निकाला मैंने? अब अगर कोई बोले आर टू निकालो, क्या निकालो? क्या आर में से आर वन घटा दूं? नहीं, ये सही तो है। अगर मैं आर में से आर वन घटा दूंगा तो क्या मेरे को आर टू मिल जाएगा? तो आर टू की वैल्यू कैसे निकल जाएगी बेटा बोलो? आर टू इज इक्वल टू आर माइनस, बोलो कितना आ गया? आर माइनस एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू। बोलिए क्या आ जाएगा? एम वन आर प्लस एम टू आर माइनस एम टू आर अपॉन एम वन प्लस, ध्यान से देखो, अरे प्लस एम टू आर माइनस एम टू आर कट गए, तो ध्यान से देखिए आर टू कितना आ गया? एम वन आर अपॉन एम वन प्लस। फाइनल आंसर अभी भी समझ में नहीं आया? सबको आया? अब या तो आप यहां से निकाल लो R2, या तो आप यहां से निकाल लो R माइनस R1 करके, या फिर क्या आप इसको ओरिजिन मान के भी निकाल सकते हैं? yes, सोचा ही नहीं किसी ने। मान ले मैं इसको ओरिजिन मानता तो क्या M2 into 0 लिखता? yes, और M1 into R लिखता? yes, देख लो, yes, M2 into 0 और M1 into लिखता कि नहीं? अपॉन M1 plus M2, क्या बेटा यही आता? देख ले डायरेक्ट, समझ ही नहीं आया? आप चाहो तो ऐसे याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तरीका आना चाहिए? yes, याद करने का वैसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, हमें क्या आना चाहिए? तरीका। अगर तरीका आता है तो कैसा भी सिस्टम दिया हो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हमारे लिए इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। कैसा है? बच्चे के खेलने जैसा है सेंटर ऑफ मास निकालना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या ये बातें समझ में आई हैं सभी लोगों को? अच्छा एक और चीज बताओ, अगर इस क्वेश्चन, अगर इसी वाले पार्ट पे मैं M1 और M2 की वैल्यू को बराबर ले लूँ, M1 M2 की वैल्यू क्या ले लूँ? बराबर। लेट्स से M1 इक्वल्स टू M2 हमें गिवन है, स्पेशल केस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा? M1 इक्वल्स टू मान ले M के बराबर, किसके बराबर? इन दैट केस R1 क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ क्या बेटा? M M M, क्या नीचे 2M और ऊपर है क्या R by 2? सॉल्व करके दिखाऊं क्या? तो R1 की वैल्यू क्या आ गई? बोलो आया कि नहीं? क्या बेटा सेम वैल्यू R2 की भी होगी? वेरी गुड, R1 R2 दोनों क्या हो गए? मतलब अगर सेम मासेज रखे हुए हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उन दोनों के सेंटर में। क्या ये वाली बात क्लियर है? एक और बात आप लोग बताइए, क्या सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे पार्टिकल्स का अगर दो ही हैं, अगर कितने मासेस हैं तो क्या उनकी लाइन जॉइनिंग पे लाई कर रहा होगा? भाई एम वन इधर रखा है, एम टू इधर रखा है, क्या इस लाइन पे होगा? एम वन इधर, एम वन इधर, क्या इस लाइन पे? एम वन इधर, एम टू इधर, क्या इस लाइन पे? एम वन इधर, एम टू इधर, क्या इस लाइन पे? तो लाइन ज्वाइनिंग पे ही हमेशा सेंटर ऑफ मास लाई करता है दो पार्टिकल्स के लिए। इसके लिए तो एक और पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, सी एम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, सी एम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। समझ ही नहीं आया? लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। यार कुछ तो समझ पा रहे होंगे, पक्का समझ में आ गया? वेरी गुड। और सुनिए, ध्यान दो, एक चीज बता, अगर मैं M1 M2 को कंपेयर करूं और मान लो M1 जो है इट इज ग्रेटर देन M2, मान लो क्या ले लिया मैंने, M1 इज ग्रेटर देन M2, तो सेंटर ऑफ मास किसके पास आएगा? यहां से देख, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन, देख नीचे की क्वांटिटी तो सेम है, नीचे की क्वांटिटी क्या है? M1 जो है वो M2 से बड़ा हो गया, तो ऊपर की जो क्वांटिटी है क्या वो भी बड़ी हो गई? R2 बड़ा है R1? R2 बड़ा, कौन बड़ा? R2 बड़ा, मतलब यहां से ये वाली डिस्टेंस ज्यादा। R1 इक्वल्स टू R2 तो नहीं है क्योंकि मासेज अलग है,
अगर बराबर नहीं है तो एक ज्यादा है ना, कौन ज्यादा है, आर टू या आर वन? आर टू ज्यादा। आर टू ज्यादा मतलब सेंटर ऑफ मास एम वन के पास या एम टू के पास? वेरी गुड, सेंटर ऑफ मास एम वन के पास, मतलब सेंटर ऑफ लाइज नियर द हेवियर पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द, जो मास बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास भी उसी के पास होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओहो, ये क्या बोल दिया सर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द गिवन मास। क्या ये वाली बातें क्लियर है? और अगर m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब क्या बेटा, m इनटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई, क्या इसको हम लोग प्यार से ऐसे लिख सकते हैं, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2? बोलते और नहीं है, ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं बेटा मास मोमेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? मास मोमेंट। किसी भी चीज का आर के साथ में प्रोडक्ट जो होता है ना, वो उसका मोमेंट होता है। उसका क्या होता है? जैसे फोर्स को आर के साथ में जब रखते हैं हम लोग, तो वो फोर्स का मोमेंट होता है, जिसे हम लोग टॉर्क के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से पढ़ेंगे? टॉर्क। ऐसे ही मास को आर के साथ में जब प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो किसका मोमेंट होता है? मास का मोमेंट। तो हम बोलते हैं मास मोमेंट्स आर कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं हम? मास मोमेंट्स आर कॉन्स्टेंट। क्या वाली बात समझ में आ रही है? मास मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? कॉन्स्टेंट। एम एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, यानी एम वन एक्स वन इक्वल्स टू एम टू एक्स टू। तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ, एम वन आर वन इक्वल्स टू एम टू आर टू। क्या वाली बात समझ में आती है सभी लोगों को? और क्या चीज देखी मैंने एक और इससे, क्या चीज सीखने को मिली मुझे, के सी एम ऑलवेज लाइज नियर द, ऑलवेज लाइज नियर द हैवियर पार्टिकल। समझ में आ गए 100%? नोट, सी एम ऑलवेज लाइज नियर द हैवियर पार्टिकल। याद है बच्चों, प्लीज मुझे एक बात बता दो पहले ही बनाने से, कि अगर मान लो मैं ओरिजिन बदलूं, अगर मैं ओरिजिन बदलूं, इन दैट केस क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होगी? कैसी बात है, ओरिजिन बदलूं तो लोकेशन चेंज नहीं होगी? अरे होगी ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी? ओरिजिन ही तो बदलने की बात करता हूँ, तो रिस्पेक्ट में क्या होता है फिर? ओरिजिन बदल दिया तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी, हाँ या ना? पर उसकी बॉडी पर जो रियल पोजीशन है क्या वो भी चेंज होगी? वो चेंज नहीं होगी। क्या ये वाली बात क्लियर है? एक्स स्टार बना के लिखो, ऑन चेंजिंग द ओरिजिन, ऑन चेंजिंग द ओरिजिन, the location of the center of mass, the location of the center of mass changes, the location of the center of mass changes while the exact location, while the exact position लिखना, while the exact position of the center of mass on the body, of the center of mass on the body does not change। body पे तो center of mass वहीं रहेगा जहां वो हमेशा से था। क्या ये बातें clear है? Very। चलो, एक किलो, दो किलो, तीन किलो, चार किलो, चार ब्लॉक्स, ये ओरिजिन आप लोगों को नजर आ रहा है, 1 kg इज द ओरिजिन, राइट? ये 2 meter का एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर शेप के अंदर हमने इन्हें जमा रखा है, एक किलो, दो किलो, तीन किलो, चार किलो, एक्स वाई एक्सेस, ठीक है? आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, छोटा सा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं, एक पहला मैं कर दूं, चलो करते हैं। बोलो क्या इसमें पार्टिकल्स y में भी प्रेजेंट है और x में भी? x cm अलग निकलेगा और y cm, z cm होगा क्या? z cm नहीं होगा। तो चलो लेट्स कैलकुलेट x cm।
एक्ससीएम क्या होगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, बोलो होगा कि नहीं। एम वन इसको मान लूं, बोलते भी नहीं है, वन के जी में एम वन माना, तो वन इन टू इसकी लोकेशन बोले एक्स एक्सिस पे, क्या बेटा जीरो प्लस टू, क्या बेटा टू मीटर प्लस थ्री इंटू टू, अरे ये टू कॉमा जीरो ही तो है, सॉरी टू कॉमा टू, ये कोऑर्डिनेट क्या है, x में भी 2 और y में भी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, समझ ही नहीं आया, सबको आया ना, और ये क्या है 0.2, ये क्या है बेटा, तुम्हें ये समझ नहीं आता क्या, दिस इज 2.0, दिख गया ना सबको, वेरी गुड। तो 4 kg के लिए बोल 4 इंटू टू, अरे 0 नहीं आया समझ, 4 का x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, पहले एक्ससीएम लिख रहा हूँ मैं, एक्ससीएम 4 का x तो 0 है ना यार, अपॉन 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4, बोलो सही है क्या, ध्यान से देख 0, ध्यान से देख 4 और 6 10, आंसर बोलो, समझ ही नहीं आया सबको, वेरी गुड। क्या बेटा YCM निकाल लो ऐसे ही, लेट्स कैलकुलेट YCM, चलो 1 से शुरू करो, क्या बेटा 1 इंटू 0 प्लस, क्या 2 इंटू 0, बोलो 3 इंटू प्लस, क्या 4 इंटू 2 अपॉन, नहीं आया पक्का, हो गया सॉल्व कर लिया, 1 प्लस सॉरी 0 0 6 और 8 14, कितना आ गया, यही तो आया 6 और 8 14 ही तो होता है, 7/5 1.4, और क्या बोल सकते हो, नहीं आया समझ में, तो जब एक्ससीएम कॉमा वाईसीएम लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, एक्ससीएम कॉमा वाईसीएम इस वाली बॉडी का क्या आ जाएगा बोलो, 1.7/5, बोलो आएगा कि नहीं। और अगर वेक्टोरियली कोई बोले तो आरसीएम लिखूंगा, बोलिए आई कैप प्लस 7/5 जे कैप, समझ ही नहीं आया, कोई पूछे इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी आरसीएम वाली, तो क्या वो भी निकाल सकते हैं, कैसे, क्या इसका यूनिट वेक्टर, अरे आर कैप ही तो निकालना है, आर कैप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, या कुछ कुछ याद है, याद है ना कुछ कुछ, ये वही कुछ कुछ है बेटा, आरसीएम आपके सामने। अब कोई बोले ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, कोई क्या बोले ओरिजिन से, तो भाई मान ले ये कोऑर्डिनेट जो है, एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट क्या आया 1.4, 1 कॉमा, तो x में तो 1 है, y में 1.4, मान ले कहीं यहाँ होगा, बोल होगा कि नहीं, 1.4। अच्छा एक और खास बात देख, x में देखिए 5 किलो है, इधर भी देख 5 किलो है, यहां देख 5 किलो 5 किलो है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास एक पे आया, सोचने का एक तरीका बता, यहां टोटल कितना है, यहां भी टोटल, क्या सेंटर में आया एक पे, दिख गया तेरे को, अब यहां देख 7, यहां देख 3, अरे ऊपर 4 3 7, और ऊपर कितने, तो सेंटर में आना चाहिए, सेंटर से ऊपर आया भी है, 1.4 है ना बेटा, 1.4 के नीचे आएगा, 1 के नीचे होगा 1.4, ओ मेरे लाल, ओ मेरे पीले, ओ मेरे काले, काले तो तू नहीं है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1, कुछ और नहीं सोचते ना क्लास में, क्लास में कुछ और सोचेगा तो पढ़ेगा कौन, मैं वन कॉमा वन, समझ गया, वाई में ऊपर शिफ्टेड आना चाहिए था ना ज्यादा मास है, तो 1.4 पे आ गए, दिखा सबको ये काम है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, ये वाली डिस्टेंस ही है, ये कैसे निकालूं यहां तक की डिस्टेंस फॉर्मूला, अबे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला,
भाई साहब बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस, बोलो यही आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे भैया ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यही होता है, तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया होगा, बहुत स्टाइल मार रहा है ना बेटा, सर्किल भी पढ़ लिया क्या, मारू स्टाइल छोड़ो। यहां तक क्लैरिटी आ गई, ऐसा एक और क्वेश्चन करें, चलो ध्यान दीजिए, यार इस वाले मास को ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया बेटा एक्स, ध्यान दीजिए, और अरे बतिया क्यों रहे, ध्यान दे, डोंट बतियाओ, ये मान लेते हैं 3 किलो का है, ये मान लेते हैं 2 किलो का है, और ये मान लेते हैं 4 kg का है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा 2 मीटर साइड का, कितने मीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 मीटर साइड का, आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, करिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, चलो भाई करता है, ध्यान दो, एक चीज बता, सबके पहले तो एक्स एक्स को हमें वाई मार्क करने पड़ेंगे, ये सारी साइड्स कितनी हैं, 2-2 मीटर की है ना, चलो देखते हैं, सारी साइड्स 2-2 मीटर, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अब चेक करते हैं, एक्सीएम देख लें बेटा पहले, बोल इसको M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया, इसको M3 मान लिया, M1 M2 और ये क्या हो गया बेटा M3, बोलो भाई M1 R1, यहाँ देख देख के बोलो ना, M1 R1 बोलो, 2 into M2 R2 क्या 4 into 2, 4 के कोऑर्डिनेट क्या 2,0 है, प्लस 3 into 1, देख गया, ये देखिए सेंटर में होगा ना एकदम, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1,0, बोलो है कि नहीं, वेरी गुड, तो 3 into क्या आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 2, 3, 5, 4, 9, बोलो सही, तो ये तो खत्म हो गया, 8 और 3 11 by 9 एक्सीएम, 11 by 9 क्या आ गया बेटा एक्सीएम, अब क्या निकालना है, बोल भाई क्या 2 into 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो 2 into प्लस 4 into, पक्का, इसका भी वाई क्या है 3 का वाई क्या है 2 रूट 3, 3 का वाई क्या है, यार एक चीज बताइए, अगर 2 मीटर है, ये 1 है तो ये भी 2 है, पाइथागोरस नहीं लगाई, इफ दिस इज 2 देन हाउ मच इज दिस, अरे ऐसे भी सोच सकते हो, cos 60 तो 2 cos 60 इज 1, तो ये क्या है 2 sin 60, आप चाहो तो पाइथागोरस लगा दो, 4 - 1 तो रूट 3, और अगर 2 sin 60 देख रहे हो तो 2 sin 60 कितना हो गया बेटा रूट 3, कदम तो क्या हो गया प्लस 3 into upon 9, सही, बोलो क्या आ गया वाई सी एम, बोलो ये रूट 3/3 आ गया ना, और इंटू रूट 3/√3 कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, बोलो आएगा, चलो ये आपका क्या आ गया बेटा वाई सी एम, ये समझ में आया आप लोगों को, तो देखो क्वेश्चन ऐसे कहीं भी हो सकते हैं, अब ओरिजिन मान ले मैं इसको ले लेता तो क्या आंसर चेंज होता, बिल्कुल होता, आंसर तो चेंज होता, पर क्या लोकेशन ही बदल जाती,
इसको लेता तो आंसर विल चेंज, बट क्या लोकेशन विल चेंज? रियल पोजीशन जो है ना सेंटर ऑफ मास की, वो कभी भी चेंज ओरिजिन बदलोगे तो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से चेंज होती रहेगी, वो एक अलग बात है। क्या ये बात समझ में आती है? तो जब आपसे इसमें बोला गया आरसीएम लिखवाने के लिए, तो आई कैप जे कैप में आंसर लिख सकते हैं? बोलो क्या आ जाएगा? 11/9 आई कैप प्लस 1/√3 डिस्टेंस निकल पाएंगे तो डिस्टेंस क्या अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर? समझ नहीं आया? पक्का? ठीक, तो एक काम करते हैं, अगली क्लास के अंदर क्या क्या काम दिया हुआ था, शीट वर्क पर एनर्जी, वर्क पर एनर्जी की एक्सरसाइज 1 चल रही थी, तो वर्क पर एनर्जी की एक्सरसाइज 2 के अंदर पहले 25 सवाल, वर्क पर एनर्जी एक्सरसाइज 2 पहले 25 सवाल, सर्कुलर वाले तो हो गए हैं, WPE वाले पहले 25 सवाल। क्लियर है बात सबको? yes,